हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 से है और जिसका नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उन्हें हम कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या उनके मेजर करने के तरीके होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं, हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जरा मुझे ये बताइए बच्चों कि आप कितना घंटा डेली पढ़ते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम मैं 4 आवर्स डेली पढ़ता हूँ, या फिर कोई क्या कहेगा मैम मैं 6 आवर्स पढ़ता हूँ, राइट? तो आप उसको एक तरीके से कैसे बता रहे हो, 4 आवर्स और 6 आवर्स की टर्म्स में आप बता रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके अंदर कितनी इच्छा है, कितना आप चाहते हैं कि आप पढ़ें, तो आप क्या कहेंगे कि मैम मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मैं पढ़ूं, या फिर कोई क्या कहेगा कि मेरा तो मन नहीं करता मैम, बस पढ़ना पड़ता है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या आपने मुझे, जैसे वहां पे आपने मुझे बताया 4 आवर्स या 6 आवर्स, तो आपने क्या मुझे कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताई अपने आंसर की? नहीं ना। तो ये सिर्फ क्या है, ये आपकी एक फीलिंग है जिसे आप सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इसे मेजर कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकें, ओके, दैट कैन बी मेजर, जिसे आप मेजर कर सकते हैं वो आपके पास कैसी क्वांटिटीज होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ओके, तो ये तो हो गया जी हमारे पास कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटीज का। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आया कि ये जो क्वांटिटीज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। तो हम फर्स्ट जो टाइप है उसको यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल होता है ना, फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया, एकदम बेसिक हो गया उसका। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि जो शुगर है वो 1 किलोग्राम है, तो वो 2 बजे है, और अगर मैं 4 बजे कहूँ कि वो शुगर मेरी अपने आप ही 2 किलोग्राम हो गई है, या चेंज हो गई है, बढ़ गई है, या फिर डिक्रीज हो गई है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? टाइम के अकॉर्डिंग जो शुगर है उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती है। सो ऐसी क्वांटिटीज जो आपकी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, आप उसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने अभी एक कॉन्सेप्ट किसका लिया था, शुगर का। शुगर का मतलब यानी कि शुगर का मास, जैसे आपने बोला ना 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, तो ये क्या हो गया आपके पास, शुगर का मास हो गया। तो ये जो मास है ये किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि किसी भी कोई भी बंदा अगर है और उसका वेट अगर 45 किलोग्राम है, तो 45 किलोग्राम सिर्फ उसका वेट है, ऐसा नहीं है कि टाइम चेंज होगा तो उसका वेट भी चेंज हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, लाइक मैंने यहाँ पर ये मार्कर लिया हुआ है, आपको ये दिख रहा है ये मार्कर, इस मार्कर के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, क्या ये जो लेंथ है ये किसी पर डिपेंड करती है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि इसकी लेंथ भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। अगर ये मार्कर इतना लंबा है तो ये इतना ही लंबा रहेगा, या फिर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि इस पर मैं कोई वेट लटका दूं, तो क्या उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी? नहीं ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेंथ भी जो है वो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। सो लेंथ इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम, टाइम भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो तीनों क्वांटिटी होती है इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सेकेंड नंबर, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज डेट डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है उन्हें आप क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेंगे और उनकी हेल्प से हम इनको डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं।
लाइक मैं एग्जांपल ले रही हूँ किसका, स्पीड का. ओके स्पीड, आपको पता है ना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो है उसको आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस भाई लेंथ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस तो हमारे पास हो गई है लेंथ. ओके लेंथ के बाद ये टाइम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी जो क्वांटिटी है क्या स्पीड, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, स्पीड जी लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है और स्पीड टाइम पर भी डिपेंड कर रही है ना. तो जब आपके पास कोई एक क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो आप उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके अदर एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं अदर एग्जांपल्स लूंगी लाइक फोर्स, मोमेंटम, एरिया एक्सेट्रा. लाइक मैं अगर एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर. ऐसे ही फोर्स, फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखें तो फोर्स भी किस पर डिपेंड करता है, आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है. ओके अब आपकी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज तो हो चुकी है, अब फिजिकल क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, यूनिट्स. यूनिट्स यानी कि अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी आपके पास अगर फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं तो उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, राइट, जो फिक्स्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी यूनिट होती है. जैसे अब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज के टू टाइप्स थे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, सिमिलरली आपकी जो यूनिट्स होती हैं ये भी आपकी टू टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. ओके तो आपके जो टाइप्स यहाँ पर आप बता सकते हैं ना, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स विच आर कम्प्लीटली फ्री. ओके विच आर कम्प्लीटली फ्री आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. एंड सिमिलरली फंडामेंटल क्वांटिटीज दे कैन नॉट बी डिराइव्ड. ओके दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स. ओके तो ये तो हो गई है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, जिन्हें आप किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते हैं. अब कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से आपके पास यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स में आएंगे, तो यही आपके जो मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स हैं, ये आपकी किस में आती है, फंडामेंटल यूनिट्स में आती है. तो आपके पास जो एग्जाम्पल होगा वो किस किस का होगा, मास, लेंथ एंड टाइम. इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड प्वाइंट आता है वो क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स. ओके डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स आर अलाइक डिराइव्ड क्वांटिटीज, बिल्कुल डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरह ही होते हैं. दे कैन बी डिराइव्ड, आप इनको डिराइव कर सकते हैं. और कहां से डिराइव करोगे, फ्रॉम अदर यूनिट्स, आप इन्हें अदर यूनिट से डिराइव कर सकते हैं. एग्जाम्पल लाइक आप बात कर रहे हैं एरिया की. ओके तो एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया को आप किससे मेजर करते हो, याद करो मीटर स्क्वायर से, राइट. एरिया को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर से. तो मीटर स्क्वायर आपको कैसे मिला, मीटर स्क्वायर जी हमें मिला मीटर इंटू मीटर करके, हमने लेंथ इंटू ब्रेथ लिया है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मीटर जो हमारे पास लेंथ की यूनिट है, तो आपने इसकी यूनिट से, लेंथ की यूनिट से किसकी यूनिट को डिराइव किया है, एरिया को. तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये आपकी कौन सी यूनिट हो जाती है, डिराइव्ड यूनिट. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है किसका, स्टैंडर्ड यूनिट का. अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट को लेकर चलते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट ये जो टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर की जान है. यस इस चैप्टर की जान है. स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है, देखो यूनिट क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, राइट. और ये जो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट होती है ये क्या होता है, रियल फॉर्म ऑफ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. अगर आप यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, रियल एंड फिक्स्ड, यानी कि रियल भी होना चाहिए और फिक्स्ड भी होना चाहिए. जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें किसका, शुगर का. तो शुगर को हम किससे मेजर करते हैं बताइए, आपने कोई शुगर की वैल्यू देखी है किसके फॉर्म में होती है, यस
जो शुगर आपकी होती है वो किस फॉर्म में होती है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में भी क्या शुगर को हम ऐसे भी कितनी भी किलोग्राम से मेजर कर सकते हैं, या हमने इसकी कोई वैल्यू फिक्स की हुई है? यस, हमने वैल्यू फिक्स की हुई है, क्या? 1 किलोग्राम। अगर हम यहाँ पर ये कहे कि जी मेरे पास ये कितना है, 1 किलोग्राम शुगर का एक अमाउंट है मेरे पास, ओके, और इसी तरह के मेरे पास यहाँ पर इतनी क्वांटिटीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट हुई इस क्वांटिटी की वो कितनी हुई भाई, 1 किलोग्राम इतना है, 1 ये हो गया 1 ये हो गया, और टोटल अगर मैं इन सब का कर दूं तो मेरे पास कितनी शुगर हो गई है, 4 किलोग्राम, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 4 किलोग्राम तक आने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप 1 किलोग्राम को लिया है, तो 1 किलोग्राम जो है वो मेरे पास क्या हो गई है, एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है, ओके। अगर यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लूं कि 4 किलोग्राम जो शुगर है, क्या इसकी वैल्यू किसी और के इक्वल होती है? बिल्कुल हो सकती है। किसके इक्वल भाई? मैम आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 4000 ग्राम। इज इट पॉसिबल? कोई डिफरेंस है इन दोनों में? नहीं ना भाई, 4 किलोग्राम में भी उतनी शुगर है जितनी की किसमें है, 4000 ग्राम में। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे मैं 4 किलोग्राम कह लूं या फिर मैं 4000 ग्राम कह लूं, जो भी आपके पास वैल्यू है वो आपकी कैसी है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, यानी कि दोनों में बराबर आपकी शुगर है। तो इसको अगर हम एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4, ये हमारे पास क्या है बताइए, 4 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यू है, डिजिट के फॉर्म में है। ऐसे किलोग्राम, किलोग्राम हमारे पास क्या है, यूनिट है। अब आप देखो, मैं यहाँ पर किलोग्राम से मेजर कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू इस हिसाब से लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ग्राम में मेजर कर रही हूँ तो ऐसे लिख रही हूँ। तो इसको मैं जनरली एक फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं लेती हूँ कि इस न्यूमेरिक वैल्यू को, इस न्यूमेरिक वैल्यू को मैं यहाँ पर N1 से रिप्रेजेंट करूँ और इसे मैं रिप्रेजेंट करूँ U1 से। अब ये मैं किसी दूसरे सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 4000 को रिप्रेजेंट करूँ किससे, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो मैं N2 से रिप्रेजेंट करती हूँ, और ये मेरे पास यूनिट की वैल्यू है तो मैं इसे किससे रिप्रेजेंट करूं, U2 से। तो यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट मिलता है N1 U1, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल है किसके, N2 U2 के, N2 U2, इन दोनों के इक्वल है। और ये जो है हमेशा कैसा रहने वाला है, कॉन्स्टेंट, यानी कि आपके पास N1 U1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, N2 U2 के। अब अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई और भी फॉर्मूला होता, कोई और भी एग्जांपल होता, तो मैं यहाँ पर कह सकती थी कि ये जो है अगर मैं किसी और यूनिट में रिप्रेजेंट करूँ तो उसके भी कैसे होगा, इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहूंगी कि जो भी मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है, इन दोनों का जो मैं मल्टीपल ले रही हूँ N U, उसका जो वैल्यू है वो मुझे हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट की एक कंडीशन है कि NU इक्वल्स टू कांस्टेंट, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, NU इज इक्वल टू K, वेयर हमने ये जो K है ये किसकी जगह यूज किया है, यहाँ पर कांस्टेंट की जगह। तो आप लिखेंगे N इज इक्वल टू K/U, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना, सिंपल सी बात है, यू नीचे चला जाएगा। अब के जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का मतलब हमेशा फिक्स रहेगी। और अगर मान लीजिए मैं के की वैल्यू चेंज करूँ तो क्या एन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। लेकिन अगर मैं यू की वैल्यू चेंज करूँ तो एन पर फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि के तो कांस्टेंट है और यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एन है यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, U पर, और कैसे होती है, एंटी प्रोपोर्शनल, इसको हम बोलते हैं एंटी प्रोपोर्शनल। दैट मींस न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन यूनिट वैल्यू एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वैल्यू। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो यूनिट वैल्यू के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख चुके हैं 4 किलोग्राम का किसके साथ, 4000 ग्राम। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ, अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लीजिए 1 मीटर, ये जो 1 मीटर होता है क्या मैं इसको 100 सेंटीमीटर के इक्वल लिख सकती हूँ, कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। अगर मेरे पास कोई और यूनिट है, लाइक मेरे पास एक मिलीमीटर की यूनिट होती है, तो मिलीमीटर की यूनिट में मैं अगर इसको लिखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
1000 mm. तो क्या अब कोई फर्क पड़ा? नहीं ना भैया, ये भी वैल्यू आपकी 1 मीटर की है, और अगर आप सेंटीमीटर में काउंट करोगे तो ये किसमें होगी? 100 सेंटीमीटर, लेकिन है कितना? 1 मीटर. और ऐसे ही अगर आप मिलीमीटर में काउंट करोगे तो ये कितना है? 1000, बट है कितना? 1 मीटर के इक्वल. यानी कि हमेशा जो लेंथ है आपकी वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है. तो इस कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, N1U1 इक्वल्स टू N2U2 इक्वल्स टू N3U3. तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको अगर हम यहाँ पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसी है? देखो, इक्वल आ रही है ना हमेशा, तो वो कैसी है? आपके पास कॉन्स्टेंट है. और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर लॉजिक यही हो गया सिंपल सा कि एन जो है वो किस पर डिपेंड करता है? यूनिट वैल्यू पर डिपेंड करता है. ओके, अब ये तो जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ किसका हुआ? स्टैंडर्ड यूनिट का. जैसे हमने बताया शुगर के लिए, तो हम यहाँ पर जो भी यूनिट्स जो हम यहाँ पर फाइनल करते हैं वो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट रूल, वैलिड होनी चाहिए. वो वैलिड होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड होनी चाहिए. हर जगह जहां भी आप मेजर करो आप उसको वैलिडेशन दे. Like, अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम शुगर है तो किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में भी वो क्या होनी चाहिए? 1 किलोग्राम ही होनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ इंटरनेशनल लेवल पर भी वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर, प्रेशर, अगर एक्सेट्रा कोई भी आपकी क्वांटिटी चेंज होती है तो उस क्वांटिटी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड थर्ड, कि जो भी आप यहाँ पर यूनिट लेते हैं वो कैसी होनी चाहिए? एक उसका वैलिड शेप होना चाहिए, वैलिड साइज होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पर एक यूनिट किसकी ली? मीटर की. तो मीटर को हम कितना मेजर कर सकते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो ये हमारे लिए क्या होगा? एक वैलिड शेप हो गई है. अगर मैं कह देती मान लीजिए सूरत से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो क्या आप अदर डिस्टेंसेस को मेजर कर पाते हो उससे? नहीं ना, क्योंकि वो वैलिड नहीं है. आप उतना बार बार मेजर नहीं कर सकते हो. तो जितना आप बार बार मेजर कर सकते हो वो आपके लिए क्या हो गया है? वैलिड हो गया है. तो वैलिड शेप, साइज और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास किसका? स्टैंडर्ड यूनिट्स का. ओके, अब स्टैंडर्ड यूनिट के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे करें. जैसे अभी मैंने बताया था मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे हम किन किन तरीकों से अपनी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं. ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हो गया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम जो है वो हमारे पास है. तो सबसे पहला जो है हम उसकी बात करते हैं, वो क्या होता है? CGS सिस्टम. ये जो हम यहाँ पर सिस्टम ले रहे हैं ये हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी बताई थी हमने? एक मास बताई थी, एक लेंथ बताई थी और एक टाइम. तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखो CGS, 3 आपके पास लेटर्स है. कौन कौन से? C, एक है आपके पास G और नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? S. यहाँ पर ये जो C है ये किसके लिए है? सेंटीमीटर के लिए. इसका मतलब जो भी आपकी लेंथ है आप यहाँ पर उसको किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर से. ओके, और जी आपका है किसके लिए? ग्राम के लिए. ओके, ग्राम यानी कि किसकी यूनिट? मास की यूनिट. ओके, सेंटीमीटर किसके लिए? लेंथ के लिए. ग्राम किसके लिए? मास के लिए. एंड द थर्ड इज एस, इट इज फॉर सेकेंड. और सेकेंड किसके लिए होती है? टाइम के लिए. तो ये हो गई है हमारी तीनों आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, अब एक तो ये सिस्टम होता है CGS. CGS सिस्टम के अलावा जो सेकेंड सिस्टम हमारे पास होता है वो होता है क्या? MKS सिस्टम. MKS, MKS में आप यहाँ पर जो लेटर्स यूज करते हैं M, दैट इज फॉर मीटर, यानी कि ये आपका किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट. K इज फॉर किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास. एंड S इज फॉर सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम. ओके, एंड नेक्स्ट यूनिट आपके पास है क्या? FPS. इन FPS यूनिट F स्टैंड फॉर फुट. फुट हम कहते हैं ना कि आप कितने फुट के हैं, है ना? या फिर ये कोई भी जगह को हम फुट से मेजर करते हैं तो वो आपके लिए हो गया फुट. लेंथ की यूनिट है ये. एंड P स्टैंड्स फॉर पाउंड, इट इज द यूनिट ऑफ मास. एंड S इज फॉर सेकेंड. आप देख रहे होंगे कि जो सेकेंड है वो कॉमन है ना?
टाइम की जो यूनिट है वो क्या है, कॉमन है, सब में एक जैसी है, वो क्या है, सेकेंड। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एम के एस है, इस एम के एस के भी दो टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर अगर हम इस एम के एस सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं किससे, एम्पियर से, तो ये जो आपका सिस्टम है एम के एस, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, एम के एस ए में। ओके, एम के एस ए में। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेकेंड कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट की जगह अगर हम चार्ज को इंक्लूड करते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, एम के एस क्यू में, वेयर क्यू इज द यूनिट ऑफ चार्ज। क्यू जो है वो किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो ये आपके पास थ्री मेन यूनिट्स हो गई हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट यूनिट है और उसको हम क्या बोलते हैं, एस आई यूनिट। ओके, एस आई ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका कंप्लीट नेम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। यानी कि यहाँ पर आपके पास ऐसी यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड हैं। ओके, जो भी आपकी इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है वो यूनिट्स आपकी किस में आती है, एस आई में ही आती है। अब एस आई में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास टू टाइप्स होते हैं। कैसे? एक तो हमारे पास यहाँ पर होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी हमारे पास यहाँ होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में हमारे पास सेवन होती हैं। सेवन कौन कौन सी होती हैं? मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता देती हूँ, सीरियल नंबर के साथ साथ। ओके, नेम, उसके बाद आप उसको किससे मेजर करते हैं, क्या उसकी यूनिट है और उस यूनिट का सिंबल क्या है। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास मास। मास को हम किलोग्राम से मेजर करते हैं और किलोग्राम का सिंबल है के जी। ओके, सेकंड हमारे पास है लेंथ। लेंथ को हम मीटर से मेजर करते हैं और इसका सिंबल हमारे पास क्या है, स्मॉल एम। एंड द थर्ड इज टाइम। टाइम को हम मेजर करते हैं किससे, सेकंड से, और इसका सिंबल है स्मॉल एस। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पियर से मेजर करते हैं और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड फिफ्थ टाइप इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसे हम मेजर करते हैं कैंडिला से, सी ए एन डी ई एल, और इसका सिंबल होता है सी डी। नेक्स्ट सिक्स हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसे हम मेजर करते हैं मोल से और इसका सिंबल होता है एम ओ एल। एंड द नेक्स्ट सेवेंथ टॉपिक और जो लास्ट होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप केल्विन से मेजर करते हैं और हम इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये तो हो गई है हमारे पास फंडामेंटल आपकी यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स के बाद इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं आपके पास, एक आपकी होती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, तो जैसे हम इन्हें इन क्वांटिटी से मेजर करते हैं ऐसे ही जो प्लेन एंगल होता है उसे ही हम रेडियन से मेजर करते हैं। ओके, रेडियन से मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, आर ए बी। ओके, और प्लेन एंगल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होता है सेकंड, वो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन से। ओके, स्टेरेडियन से, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एस आर, स्मॉल में होता है एस आर। ओके, तो ये हमारी हो गई है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जो है वो बताया है इस चैप्टर का, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, उनके टाइप्स पढ़े हैं, उसके बाद हमने यूनिट्स पढ़ा है, यूनिट्स के टाइप्स पढ़े हैं, एंड देन हमने स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ा है, और स्टैंडर्ड यूनिट के बाद
हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा है. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.